हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो आज हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी सी पास्ता की रेसिपी। तो वो है रेड सॉस पास्ता, और ये पास्ता आप बिल्कुल ईजली घर पे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डलते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उससे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग बना रहे हैं रेड सॉस पास्ता, और ये पास्ता घर पे आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पहले कुछ इंग्रेडिएंट को बॉईल करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 टमाटर और 7-8 लाल मिर्च को लेके हम लोग उसे बॉईल कर लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। फिर उसका कवर निकाल के हमें अलग रख लेना होगा। मीनवाइल हम लोग साथ में 1 कप के करीब पास्ता लेके उसे भी हम लोग बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है, जो पाइप्स की तरह होता है, उसके अंदर सॉसेस भर जाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए पास्ता बॉयल हो चुका है। अब हम लोग उसे स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना होगा कि जो सॉस होते हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सॉसी पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कलर अगर आपको ज़्यादा ब्राइट दिखाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, सॉसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर, ऑल्दो अगर आपका टमाटर बहुत ज़्यादा लाल है या फिर जो रेड चिली आप इस्तेमाल करें बहुत लाल है, तो फिर आपकी रेसिपी में वैसा ही कलर आ जाएगा, ज़्यादा डार्क आएगा रेड। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑरेंजेस कलर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच के करीब तेल ले रही हूँ। तो यहाँ पे जनरली ऑलिव ऑयल का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, और साथ में गार्लिक हम लोग डालेंगे। उससे हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं होने देना है, नहीं तो टेस्ट रेसिपी का ख़राब हो जाएगा। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और उसे भी हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर सबको अच्छे से जब ट्रांसल्यूसेंट होने लगे प्याज, तो फिर हम लोग आगे इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम भी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलिव्स का भी टेस्ट यहाँ पे अच्छा आता है। अब जो हमने वो टमाटर और हरी लाल मिर्च रखी थी उसे हम लोग ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के इसमें डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल इससे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहें थोड़ा ग्रेवी देना तो इसमें थोड़ा सा और टमाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसे नॉर्मल बना रही हूँ। अब इसे कुछ देर हम लोग पकाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मिर्ची हो चुकी है इसमें, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट कर देगा, स्पाइसी कर देगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करेंगे। जनरली लोग शुगर भी डाल देते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा लगभग 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे, फिर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इटालियन सीजनिंग है वो डालेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। ऑल्दो इटालियन सीजनिंग आप सर्व करते समय भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए, वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रेवी को भी थोड़ा सा सीजन करेंगे। अब जो हमारे पास पास्ता है वो स्ट्रेन करके मैंने रखा था, अब उसे हम लोग डालेंगे और ग्रेवी में अच्छे से उसे मिलाते हुए पकाना है हमें। ये रेसिपी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ एवरी वीकेंड बन ही जाती है, और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। बाकी के बहुत सारे पास्ता रेसिपीज़ आप पास्ता के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ देख सकते हैं, मैं दे दूँगी लिंक।
और उसके बाद हम लोग इस पे ग्रेट करके चीज़ डालेंगे। चीज़ जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना इसे क्रीमी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ डालिए और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। स्विच ऑफ कीजिए फ्लेम को और सर्व कीजिए। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।